जी हाँ, अभी भी हमारे केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी यहाँ पर खबर को जारी किया गया है। आपको बता दें कि जितने भी आपके बीए बीएससी एमएससी के एग्जाम है ना, उस सारे के सारे आपके कैंसिल कर दिए गए थे कुछ दिनों के लिए। लेकिन दोस्तों अभी जो हमारे फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से इस बड़ी खबर को जारी किया गया है ना, तो इसमें यहाँ पर साफ साफ एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है कि आपके आने वाले 14 अप्रैल 2020 के बाद आपके यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम जितने भी यहाँ पर एग्जाम है वगैरह वगैरह आपके यहाँ पर एग्जाम नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे आने वाले 14 अप्रैल 2020 के बाद हमारी केंद्र सरकार ने इतना बड़ा यहाँ पर फैसला ले लिया है कि बिना एग्जाम दिए सभी छात्रों को लगभग यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ हमारे यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए हमारी केंद्र सरकार ने कुछ यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरों को जारी किया गया है। आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए हमारे यूपी के मुख्यमंत्री सीएम आदित्यनाथ योगी ने कुछ यहाँ पर बड़ी खबरों को जारी किया गया है। आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर बड़ी बातों को बताया गया है। आखिरकार हमारे यूपी बोर्ड का रिजल्ट किस दिन आने वाला है और यहाँ पर लगभग सभी छात्रों को पास करने का वादा कर दिए हमारे योगी सीएम। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार हमारे बीए बीएससी का एग्जाम क्यों यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है और दोस्तों हमारे केंद्र सरकार की तरफ से सभी यहाँ पर बीए बीएससी के छात्रों को पास करने का यहाँ पर वादा कर दिए हैं। तो आइए इसकी सभी जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहेगा इस वीडियो में, एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी ननिस रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी इस सूची ऑनलाइन स्टडी चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पेपर के आर्टिकल में यहाँ पर क्या पब्लिश किया गया है। और दोस्तों ये जो हमारा पेपर है वो दैनिक जागरण की ऑफिशियल साइट पर आया था और दोस्तों इसमें यहाँ पर साफ साफ एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है कि बिना परीक्षा पास करने के मैसेज हो रहे हैं वायरल। जी हाँ, आपको जानकारियों के अनुसार बता दें कि जितने भी हमारे कानपुर यूनिवर्सिटी के जितने भी यहाँ पर विश्वविद्यालय है ना, उसमें यहाँ पर सभी छात्रों को यानी कि लगभग यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम एमएससी के जितने भी यहाँ पर छात्र है ना, उनको यहाँ पर पास करने का वादा कर चुके हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, कानपुर विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों की परीक्षाएं इस बार स्थगित रहेगी और दोस्तों साथ ही साथ प्रथम वर्ष के छात्रों को 50 से 65% अंकों के साथ पास कर दिया जाएगा और दोस्तों यहाँ पर दूसरे और तीसरे चौथे वर्ष के छात्रों को उनके पिछले अंकों के आधार पर अंक मिलेंगे। ये मैसेज व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से वायरल हो रहे हैं। दोस्तों आपको जानकारी के अनुसार बता दें कि हमारी केंद्र सरकार ने आपका इतना बड़ा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों हमारे भारत में इतनी ज्यादा यहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज यहाँ पर स्थगित पाए गए हैं, जिसको देखते हुए दोस्तों हमारी केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है कि बिना परीक्षा दिए सभी यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम और जितने भी यहाँ पर स्नातक एग्जाम होते हैं ना, उसमें से सभी यहाँ पर छात्रों को लगभग यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। और दोस्तों वही यहाँ पर हमारे यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए हमारे यहाँ पर यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी तरफ से क्या यहाँ पर बड़ी खबर को जारी किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, यूपी बोर्ड 10th 12th रिजल्ट 2020 यूपी बोर्ड रिजल्ट अलर्ट पाने के यहाँ करें रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगर आप भी यहाँ पर यूपी बोर्ड के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी तरफ से कुछ यहाँ पर बड़ी खबरों को जारी किया गया है, जिसके लिए हर एक यूपी बोर्ड के छात्र को यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि यूपी बोर्ड 10वीं और यहाँ पर यूपी बोर्ड 12वीं इंटरमीडिएट के छात्रों को अपना यहाँ पर रिजल्ट का इंतजार है। दोनों कक्षाओं के पेपर मार्च के पहले सप्ताह तक खत्म हो गए थे और दोस्तों यहाँ पर मूल्यांकन का काम चल रहा है। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने और लॉकडाउन के चलते इसमें बाधा आई है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पिछले साल यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों इस बार हमारे यहाँ पर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जो यहाँ पर पंजीकृत 56 से ज्यादा यहाँ पर छात्र छात्रा पंजीकृत थे, उसमें से यहाँ पर 4.5 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी थी और दोस्तों वही यहाँ पर करीब 3.5 करोड़ यहाँ पर कापियां जांची जानी है। इस बार यूपी बोर्ड की कापियां पहली बार सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर की निगरानी में जांची जा रही है। यानी दोस्तों आपको बता दें कि आपके जितने भी यहाँ पर यूपी बोर्ड की कापियां है ना, वो यहाँ पर सीसीटीवी और यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर की यहाँ पर निगरानी में जांची जा रही है। आपको बता दें कि आपने जितना यहाँ पर क्वेश्चन किए होंगे उसको छोड़कर हमारे यहाँ पर यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी तरफ से आपको 20-20 नंबर अलग से दिए जाएंगे, ऐसा हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ का वादा आ चुका है। और दोस्तों आपको जानकारियों के अनुसार बता दें कि आपके 14 अप्रैल 2020 के बाद आपके यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने वाले 14 अप्रैल 2020 के बाद जारी हो सकता है आपके अगले सप्ताह में। तो अगर आप भी यहाँ पर यूपी बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं ना, तो जल्द ही आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि आपके आने वाले 14 अप्रैल 2020 के बाद आपके यूपी बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बता दें कि यही हमारी खबर थी जो कि अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से और हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी तरफ से इस बड़ी खबर को जारी किया गया था, जिसके लिए हर एक स्नातक के छात्रों के लिए और यहाँ पर यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए जानना और सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो अगर आपके परिवार में कोई भी यहाँ पर स्नातक का छात्र हो या आप स्नातक के छात्र हैं, तो ऐसे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए कि यह जानकारी आपके साथ साथ आपके सभी दोस्तों मित्रों और रिश्तेदारों के जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि वो भी इस जानकारी से अपडेट हो सके और उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस सूची ऑनलाइन स्टडी चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट में, तब तक लिए जय हिंद।